So, स्वागत करते हैं आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, टाइट होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं हम लोग का होस्ट कुदरत और मैं हूं साहिल अफान। और एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही मतलब इस पर हम लोगों ने पहले भी मतलब मेरे ख्याल से तो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, मेरा अनाउंसमेंट हुआ था सिर्फ। इस बार ये साइन भी हुए, शेतु डैम जो अफगानिस्तान बनने वाला है, इंडिया के सपोर्ट के साथ जो है मतलब इन्होंने साइन किया हुआ है। वर्चुअल सेरेमनी है, पीएम मोदीज रिमार्क एट वर्चुअल सेरेमनी फॉर साइनिंग ऑफ एमओयू। एमओयू का मतलब क्या हो सकता है? उन एमओयू मेरे ख्याल से जो वो होते हैं जो साइन करते हैं मेन चीज होती है उन सेतु डैम विद अफगानिस्तान। आपके उम्दा शब्दों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सही हिंदी में बोल रहे हो। आपके साथ उपस्थित अफगानिस्तान के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सारे जो कैबिनेट, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे आने में देर हुई। हमारा संसद का सत्र चल रहा है, संसद में कुछ कार्यक्रम के कारण कुछ बजट लग रहा है, यहाँ रहना बहुत जरूरी हो गया। आज हम भारत अफगानिस्तान दोस्ती की लंबी राह में अच्छा एक और माइलस्टोन रखने जा रहे हैं। गुड। भारत और अफगानिस्तान सिर्फ जियोग्राफी से ही नहीं, बिल्कुल, बल्कि हमारे इतिहास और हमारे कल्चर भी आपस में जुड़े रहे हैं। बिल्कुल, बहुत पहले से जुड़े रहे, एक दूसरे को प्रभावित करते रहे। ये सदियों पुराने संपर्क, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत पहले से हमारे खान पान, हमारे संगीत, हमारे साहित्य में झलकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि नदियां विश्व की महान सभ्यताओं की वाहक रही। अच्छा, नदियों ने जीवन दाता बनकर हमारे राष्ट्र, हमारे समाज को परिभाषित किया। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में हम अपनी गंगा नदी को एक माता का दर्जा देते और उसके कायाकल्प के लिए हमने अपना नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, कुछ नदियों के लिए यह सम्मान भारत और अफगानिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत है। अच्छा, हमारे यहाँ ऋग्वेद का नदी स्तुति सूक्त हमारे क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रशंसा करता है। बिल्कुल। मौलाना जलालुद्दीन रूसी, जलालुद्दीन रूमी, रूमी ने नदियों के शक्तिशाली सभ्यतागत संबंध के बारे में कहा था, जो नदी तुम में बहती है वह मुझ में भी बहती है। साथियों, पिछले लगभग दो दशकों से भारत अफगानिस्तान के प्रमुख विकास साझेदारों में रहा। बिल्कुल। अफगानिस्तान ने हमारी विकास परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक सेक्टर्स में हमारी ये योजनाएं फैली है। एक दशक पहले पूले खुमरी से ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से काबुल शहर में बिजली की आपूर्ति बेहतर हुई। वो ये भी नहीं किया। 218 किलोमीटर लंबे डेलाराम खरंज राजमार्ग ने अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी का एक विकल्प प्रदान किया। कुछ वर्ष पहले बने मैत्री बांध से हेरात में बिजली और सिंचाई का सिस्टम सुदृढ़ हुआ। अफगानिस्तान के संसद का निर्माण भारत और अफगानिस्तान की जनता का डेमोक्रेसी के प्रति लगाव का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा। पार्लियामेंट जो बनाया था, इन सभी प्रोजेक्ट का एक प्रमुख पहलू यह रहा
कि इनसे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, हमारी अपने आपसी साझेदारी और मजबूत हुई। बिल्कुल, यही दोस्ती, यही निकटता कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही, चाहे दवाइयां वैक्सीन वगैरह भी भेजे थे या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई। हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज हम काबुल में जिस सहतूत बांध के निर्माण पर समझौता कर रहे हैं, उसकी नींव सिर्फ ईंटों और मोर्टार पर नहीं बनेगी, बल्कि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी। yes, काबुल शहर भारत के लोगों के दिलों दिमाग में बसा है। बिल्कुल, yes। कई पीढ़ियां, जैसे आपने उल्लेख किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला कहानी पढ़कर बड़ी हुई है। बिल्कुल, और इसलिए मुझे विशेष खुशी है कि सहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान होगी। बिल्कुल, पानी बहुत ज्यादा। काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। अच्छा साथियों, जब मैं संसद भवन के उद्घाटन के लिए दिसंबर 2015 में काबुल आया था, तब मैंने हर अफगान पुरुष, महिला और बच्चों की आंखों में भारत के लिए बड़ा प्यार देखा था। अफगानिस्तान में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर में हूँ। मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी कि खाने खुद अस्त यह अपना ही घर है। ये बदरखसा से निमरोज और हेरात से कंधार तक हर अफगान भाई और बहन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल, yes। आपके धैर्य, साहस और संकल्प की यात्रा के हर कदम पर भारत आपके साथ रहेगा। गुड। कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती। एक्सलेंसी, अफगानिस्तान में बढ़ रही हिंसा से हम चिंतित हैं। निर्दोष नागरिकों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को कायरतापूर्ण ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। ये तो बहुत अफसोस हो रहा है। हमने हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और हम फौरन एक व्यापक संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं। हिंसा शांति का प्रतिकार है और दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक निकट पड़ोसी और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही अपने क्षेत्र को आतंकवाद और उग्रवाद से और ऐसे भयंकर संकट से मुक्त देखना चाहते हैं। बिल्कुल, भारत एक ऐसी शांति प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है जो अफगानिस्तान के नेतृत्व में हो, अफगानिस्तान के स्वामित्व में हो और अफगानिस्तान के नियंत्रण में हो। अफगानिस्तान के आवाम में अंदरूनी एकजुटता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पहले से इस तरह मतलब एकजुट अफगानिस्तान किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। अफगानिस्तान की सफलता में हम भारत की ओर से अपने पूरे क्षेत्र की सफलता देखते हैं। हम एक बार फिर सभी अफगान मित्रों को भारत की दोस्ती का पूरा विश्वास देता हूं। बिल्कुल, भारत पर रखे आपके विश्वास के लिए मैं हृदय से सभी अफगान के मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आभार भी व्यक्त करता हूं। तशक्कुर, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, खत्म होगी। मतलब आप जो दोस्ती के बारे में बोल रहे हैं, इसकी आपको जो है बिल्कुल आप भी मतलब ऐसा ही समझना चाहिए कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती की है जो कि आपके इंसान कभी नहीं भूल पाए। बिल्कुल, मतलब
बाकी ये शहतूत के बारे में रिमार्क्स थे जो कि नरेंद्र मोदी जी, या मतलब साइन तो हुआ है, फिर उसके बाद जो रिमार्क्स दिए हुए नरेंद्र मोदी जी ने कि हम लोगों ने पहले भी आप लोगों की मदद की थी, अब आगे भी करेंगे और ये फ्रेंडशिप हमेशा कायम रहेगी। ये आज की नहीं है, नकल की है। अच्छा एक वीडियो हम लोग बनाई थी, क्या कहता था उसका, कहना होता महाभारत, ये उस टाइम से मतलब ये सब स्टोरी आ जो कंधार वगैरह, मतलब फिर हम लोगों ने उसकी पूरी ने तो पूरी वीडियो दी की क्या सीन है, तो उससे जो है ये पता चलता है कि हमारे जो फ्रेंडशिप है या मतलब हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मतलब पहले से है, 5,000 साल 6,000 साल से पुराने, मतलब ये सब कुछ आ रहे हैं। तो इनसे जो है मतलब नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे मतलब हम बहुत पहले से इसी तरह मतलब फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं। बाकी ये जो बुरा वक्त आता है तो हर किसी पे आता है, सिर्फ अफगानिस्तान पे नहीं है, शायद और कंट्री पे भी आ जाए, लेकिन आजकल अगर अफगानिस्तान हालात से गुजर रहा है तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो की साथ दे रही है, जो हर कदम पे हर प्लेटफॉर्म अफगानिस्तान के साथ कड़ी है। और ये एहसान बहुत खैर लोग होंगे जो अफगानी या मतलब वो जो लोग होंगे जो ये एहसान भूल जाएंगे, नहीं बोलेंगे आपके, कोई भी नहीं बोलेगा। और ये देखो यहाँ पे इन्होंने भी बताया था कि मैं बदख्शां गया हुआ था और काबुल वगैरह, हर कोई मेरे और कोई जो है इंडिया के जो मतलब लव कर रहे थे और भारत का शुक्रगुजार थे, मतलब उनके थैंक यू, क्योंकि अभी अगर देखो इस तरह कह रहे थे कि हेरात में भी हम लोगों ने पावर के लिए मतलब बिजली वगैरह बनाई है, काबुल में भी इसी तरह मतलब बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो ये सोचा से नहीं किए हुए कि कोई मतलब हो गए इनका, ये सोचा से कि इनका फ्रेंडशिप इसी तरह है कि अपने आप साथ दे रहे हैं। इंडिया जो है सच्चा दोस्त वही होता है कि आपके बुरा वक्त बिना किसी मतलब के जो है मदद करे, बिना किसी मतलब के आपका हेल्प करे। तो ये ऐसे बहुत से ऐसे कंट्रीज होते हैं जो आपके नहीं भूलना चाहिए इस फ्रेंडशिप को, मतलब हम लोग इसी वजह से पूछाते हैं कि हमेशा इसी तरह फ्रेंडशिप रहे। बाकी ये मतलब कहने की बात नहीं है कि अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान के लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, उनके दिलों में जो है इंडिया के मतलब रहते हैं। अगर आप लोग सर्वे करना चाहते हो तो शायद आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लोग बहुत जरूरत है नहीं। अच्छा वैसे हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी कि नाइट बाजार में जो का क्या नाम है उस बंदे का जो इंडियन होता है, तो वो भी आप वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने अच्छे अंदाज से लोग उनसे मिल रहे हैं। तो ये इसी तरह फ्रेंडशिप हम लोगों की इसी तरह, और इसी तरह आप लोगों की फ्रेंडशिप की वजह से आज हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें। बाकी इन चीजों के लिए तो हम थैंकफुल है, बाकी सारा टू एवरी इंडियन। सभी के लिए थिंक इतना ही, ये था स्पीच जो नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ था, क्योंकि वाकई बहुत ही अच्छी बातें की थी, जितने भी उन्होंने काम किए, जितने भी अच्छी बातें की है, वी रियली अप्रिशिएट दैट। अभी के लिए थिंक इतना ही, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अफवान रिएक्टर्स, साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक भी जरूर क्या करें ताकि पता चले हम लोगों को इसकी सपोर्ट मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।